बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। थाना जमुनापार के अंतर्गत आने वाले गांव खुटिया हयातपुर का रहने वाला बच्चू सिंह 56 साल जो रंग पेंट का काम करता था, जो सुबह गुरुवार को काम करने निकला था और शाम को लौटते समय करीब 9 बजे के बरेली हाईवे के समीप डंपर से टक्कर मार दी, जिससे बच्चू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 11 बजे परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा व पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन भी मौके पर पहुंच गए और घर में कोहराम मच गया। मेरा नाम निर्मल कुमार। तो ये कौन थे आपके? ये मेरे भाई थे, मतलब पड़ोसी के रिश्ते भाई लगते हैं। और ये शाम के दौरान मतलब करीब करीब 8:30-9 बजे के समथिंग काम पे से आ रहे थे, तो हमारे गांव से करीब करीब 1.5 किलोमीटर आगे तो किसी की मोटरसाइकिल पे या किसी की आदर भी गाँव पड़ते हैं तो बैठ गए होंगे। सो वहाँ से पैदल पैदल एक बरेली टू एक बाईपास जा रहा हमारे गाँव के पास में है, तो टैंकर चलते हैं जो डंपर बोलते हो ना, मिट्टी के ढोने वाले। तो ऐसा हुआ कि वो पीछे से इधर की साइड चल रहे थे, अपने हाथ पर हाथ में झोला था, तो पीछे से डंपर वाले ने उनको स्पीड से आ रहा था और उनको नीचे कुचल दिया, मतलब जो सिर है ना उनकी जो भेजी थी वो सब कुचल गई थी, ऑन स्पॉट वो ख़त्म हो गए। तो फिर करीब करीब 8:30-9 बजे के समथिंग घटना हुई थी। करीब करीब थाने से फिर फ़ोन गया था करीब करीब 11:15 बजे के समथिंग, तो गाँव से लोग आए थे, हम भी गए थे वहाँ पर, तो थाने गए थे। थाने से फिर उन्होंने बोला था कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम सुबह आना। तो सुबह थाने में रिपोर्ट वपोर्ट भी रेफराई कराई थी, तो इसके बावजूद फिर वहाँ से अब पंचनामा करके जो भी है कार्रवाई करके फिर यहाँ पे आए। तो डंपर पकड़ लिया? हाँ, डंपर का नंबर ले लिया था, नंबर वो भाग तो गया था मेरा, तो कोई ना डंपर वालों के भी पास गए थे वहाँ पर, सब भाग गए थे। तो वो डंपर थे वहाँ पर, और भी डंपर चलते हैं, मतलब दो डंपर ही खड़े थे, और वैसे तो रात में भी मिट्टी ढोते रहते हैं, पर वो मिट्टी विट्टी कुछ नहीं ढो, छोड़ के भाग गए थे। और उनको फिर डंपर का एक का नंबर लेके फिर पुलिस में नंबर दर्ज कराया था। इनका नाम था बच्चू सिंह लाला राम। तो उनकी उम्र कितनी करीब होगी? करीब करीब 55-56 साल की होगी। क्या मजबूरी करते, क्या करते? ये पेंटिंग का काम करते थे, पुताई का। तो ये कहाँ पेंटिंग करने गए थे? वो मथुरा कर रहे थे लक्ष्मीनगर पर। वापस लौट रहे थे करीब करीब 8:30-9 बज गए थे, टेम्पो लेट भी हो जाते हैं, मिलते नहीं है, तो टेम्पो की वजह से टेम्पो नहीं मिला था या किसी की बाइक पर बैठ के आ गए थे, ऐसा होता। तो किसी को मतलब ये भी नहीं पता था कि ये किसके साथ आए हैं। सर तीन बच्चे थे इनके पास रहते थे? नहीं, वो यहाँ पे अकेले रहते थे, वो तीन बच्चे थे, वो दिल्ली रहते थे। हाँ, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, वो कंपनी वंपनी में वो पेंटी वेंटी मजदूरी करते थे, दिल्ली रहते वहीं पे। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी तीनों की। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। वेलकम टू द ड्रीम बेस ऑफ योर चाइल्ड, कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल, द ओनली प्लेस इन वृंदावन दैट ऑफर्स द बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ वेल रिसोर्स्ड एक्टिविटी रूम, मॉडर्न क्लासरूम्स, फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर एंड स्टेम लैबोरेटरीज, डेडिकेटेड स्पेस टू ट्रेन वोकल्स एंड लर्न इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, a well-stocked library and cooking lab and recording studio which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.